हिमालयन पब्लिक स्कूल रिकांगपियो जिला किन्नौर का सुप्रसिद्ध सशैक्षणिक उन्नता अंग्रेजी माध्यम पर आधारित संस्थान है। कक्षा नर्सरी से जमा दो विज्ञान समकाय के लिए प्रवेश आरंभ हो चुका है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी कक्षाओं में आधुनिक निगरानी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर की आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सृष्टि नेगी ने 667 अंक लेकर पूरे किन्नौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वहीं शिवानी दीवान ने 651 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। अलीशा नेगी ने भी 644 अंक लेकर अपने स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया। छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बस की सुविधाएं भी उपलब्ध है। सत्र 2024 व 25 के लिए प्रवेश 20 फरवरी 2024 से 15 मार्च तक अग्रिम प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए अति शीघ्र संपर्क करें। दूरभाष नंबर है 8894107681880055701893660। धन्यवाद। नमस्कार, किन्नौर अब तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किन्नौर अब तक के प्लेटफॉर्म पे हमारा शो आजकल चल रहा है, जिसका नाम है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं। पिछले हफ्ते आपने पहला एपिसोड देखा, जिसमें हमने चर्चा की थी कि सोशल मीडिया का जो दौर है आज की डेट में कितना इम्पॉर्टेंट है। उसमें दो बातें हमने साफ तौर पे कही थी कि एक कि हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमको यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस बात को जान ले, इसके ऊपर अपने आप से पूछे, आत्म चिंतन करें कि अगर सोशल मीडिया से आप कोई भी इनकम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी लर्निंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उंगली घुमा करके तरह तरह के वीडियो देख करके अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। अगर आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं जिससे आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, या आप अपनी लाइफ में कोई नई वैल्यूज को ऐड कर पा रहे हैं, या अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ कि आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी किन्नौर अब तक चैनल के ऑनर राम भगत जी के साथ कि किस तरह से हम अपना सोशल मीडिया पे चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब में और फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे, और उसके माध्यम से कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें दो चीजें और हमने बहुत गहराई तरीके से समझने की कोशिश की। राम भगत नेगी जी ने कहा है कि अगर आपका जो चैनल है सोशल वेलफेयर के लिए है, उसमें अगर कोई सोशल इशू आप लेकर के चैनल बना रहे हैं तो उसमें जो व्यूज है वो कम रहते हैं। ये सच्चाई है कि जितने भी उटपटांग वीडियो लोग डाल रहे हैं उनके जो चैनल है वो ग्रो करते हैं, जल्दी जल्दी इनकम आती है, लेकिन बात हो रही है यहाँ वैल्यूज की, कि हम अपना हमारा जो कंटेंट हो इस तरह का हो कि समाज के अंदर एक परिवर्तन लोगों के अंदर आए, हम अपनी वैल्यूज को दूसरों तक पहुंचा सके और दूसरों के लाइफ में चेंज कर सके, समाज के अंदर एक परिवर्तन ला सके। तो आज इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं एक सूचना आप सभी दर्शकों को देना चाहूंगा कि मैंने स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड में एक मुहिम शुरू की है नवजीवन करके। ये इसमें मैं अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि आज आप सभी हम जानते हैं कि समाज में जो नशा है वो बहुत बुरे तरीके से समाज को दीमक की तरह चाट रहा है, और इसमें जो हमारी युवा पीढ़ी है वो खासकर बहुत ज्यादा इसके नशे के चपेट में आ रही है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास में या आप में से अगर किसी को नशे की आदत है,
जिससे आप खुद परेशान हैं और उस आदत से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपके साथ स्क्रीन पे नंबर शेयर किया जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी काउंसलिंग करूंगा। क्योंकि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विल पावर की जरूरत होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे आप अपने इस आदत से बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवाता हूँ, राइट। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम इन्वाइट करते हैं राम भगत जी को। नमस्कार सागर सर, आपका आपने कीमती समय निकाला हमारे पेज के लिए और आपके द्वारा जो ये मंच चल रहा है शनिवार को कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे हम जो है सामाजिक गतिविधियों से लेकर अपना इनकम भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था, सभी दर्शकों को ध्यान से देना है, पहले फॉलोअर्स आपको बनाना है। अगर 5,000 तक का फॉलोअर्स बनाते हैं तो आप जो है आगे आगे जो मोनेटाइज के लिए फॉलो करते हैं, तो मोनेटाइज के लिए आपको 6 लाख मिनट व्यू जो है 3 महीने के अंदर में आपको करना है। उसके बाद आप जब भी कोई वीडियो बनाते हो तो उसका कंटेंट ध्यान देना है और उसके बाद उसमें म्यूजिक देखना है, कॉपीराइट म्यूजिक या फिर किसी प्रकार का स्ट्राइक ना लगे। और ये हमने पिछले एपिसोड में बताया है और आगे के एपिसोड में जो जो आप लोग भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं और आप लोग भी जो है सोशल मीडिया में जुड़े हो और आगे आपका पेज ग्रो नहीं हो रहा, यूट्यूब ग्रो नहीं हो रहा, उस पर यहाँ पर आप अपनी बातें रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो हमारे अतिथि सागर जी का बहुत बहुत आभार। और सागर जी का जैसे कि कहा कि इनका एजुकेशन जो है नवजीवन जो एजुकेशन जो चलाते हैं स्नेह सागर एजुकेशन, इनका पेज है और यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल, उसमें भी इनका एपिसोड जरूर देखे। तो सर आपका आभार, आपने समय निकाला, जो भी सवाल रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, जो मेरा अनुभव है 3-4 साल का मैं वो पूरा करूं। जी जी तो राम भगत जी, हमने देखा है कि जो YouTube की हम पहले बात करते हैं कि YouTube के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे आपके व्यूज के होने चाहिए, तो उसके बाद चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद इनकम शुरू होती है। ये डिस्कस हमने पिछले एपिसोड में की थी। तो एक चीज और देखा कि बहुत से चैनल ऐसे होते हैं जिनके आगे सब्सक्राइब की बजाय जगह पर ज्वाइन शब्द ज्वाइन का बटन दिया होता है, वो हम आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या चीज होती है और वो वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जी सागर सर, एक्चुअली ये आपका 1,000 सब्सक्राइब के बाद जब आप जो है फॉलो करते हो मोनेटाइजेशन जो में उसमें जाते हो 4,000 के बाद, इसके बाद आपको ज्वाइन भी मिल जाता है और सुपर थैंक्स भी मिल जाता है। ज्वाइन में ऐसा है कि ज्वाइन ऑप्शन दबाएंगे तो वहां पर अमाउंट निकलेगा कि 25 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये। तो आप जो है आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपका जो है आप जो कोई पोस्ट करते हो या फिर हमारे को हम जो पोस्ट करते हैं उसको भी आपको शेयर मिलेगा। ये ज्वाइन का मतलब ये है सर। अब आपके अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आपने हमारे को पैसे दिया, ठीक है सर, तो आपने वीडियो लगाया तो आपके द्वारा जो है वो हमारे जो है चैनल के द्वारा भी आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा आपका आपके चैनल के ग्रो के लिए सर। और जो सुपर थैंक्स होता है वो क्या चीज है? सुपर थैंक्स ये है कि आपके एपिसोड जैसे आज हम आप और हमारा एपिसोड अच्छा लग गया लोगों को, तो दिल खोल कर जो है किसी ने देना चाहते हैं तो उसमें भी अमाउंट दिया गया है 100, 100, 100, 200, 300। लेकिन तकरीबन जो है बहुत कम लोग इसमें आते हैं क्योंकि आज का महंगाई है, बेरोजगारी, पैसे कहाँ देगा, लेकिन ऑप्शन तो दिए है। हाँ, ये दोनों चीज ना, मैं एक चीज बता दूं, जो संगीत के वो है ऑप्शन है संगीत वाले ऑप्शन और ये लाइव ऑप्शन में जाता है ज्यादातर, ध्यान देना। सुपर थैंक्स जो है या फिर सुपर थैंक्स है जब आप कोई लाइव दिखा रहे हो, ये आपको सुपर थैंक्स आपको बहुत कम आपको इसके मिलेगा, क्या बोलते हैं ऑफलाइन वाले को बहुत कम मिलेगा, ऑफलाइन का मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को देंगे। लेकिन खासकर जो संगीत का कार्यक्रम चलता है, जैसे अभी मैं संगीत का कार्यक्रम चला रहा हूँ और मेरे पास बहुत बड़ा कोई स्टार सिंगर आया है तो वो खुश होकर जो है सुपर थैंक्स का प्रयोग करते हैं। मैंने सुपर थैंक्स का प्रयोग जो है खासकर संगीत के लोगों को बहुत खुश होते हैं, जैसे भी आपने देखा होगा स्टेजों में जाते हैं तो कैसे पैसे फेंकते, तो ये वही हिसाब किताब है। आपको अच्छा लगा तो आपने सुपर थैंक्स का बटन दबाना है, गूगल अकाउंट खुलेगा और आपने पैसे डालना है, वो पैसे फेसबुक यूट्यूब को जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा, ध्यान देना, वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता, वो बाद में डॉलर में कन्वर्ट होकर एक साथ आ जाता है जब आपका $100 बनता है। तो
जी उसका कमीशन फेसबुक कुछ काटता होगा, उसके बाद हाँ वो जी जी रिफंड होगा, जी राइट।